हे हेलो एवरीबॉडी गाइस, जैसा कि आपको पता है इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को लीगल कर दिया गया है, जिसके बाद से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उभर के आए हैं जो आपको क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कन्फ्यूजन क्या है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में से कौन सा प्लेटफॉर्म हम चूज करें, या हम प्लेटफॉर्म जो चूज कर रहे हैं क्या वो सही है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो आज हम दो प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म आपको लगभग सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज पे आपको ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। आज हम जिसका कंपैरिजन करेंगे वो है नंबर वन बिटमैक्स और दूसरा है बिटयार्ड। यानी दोनों का कंपैरिजन आज हम दिखाने वाले हैं, वो भी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, यानी मोबाइल ऐप्स के जरिए, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं, मेजॉरिटी जो यूजर्स हैं वो मोबाइल फोन यूज करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे दो मोबाइल फोन की स्क्रीन देख पा रहे हैं। दोनों में मैं अलग अलग एप्लीकेशन ओपन करने वाला हूं, एक में मैं करने वाला हूं बिटमैक्स और एक में मैं करने वाला हूं बिटयार्ड। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने दोनों एप्लीकेशंस को ओपन कर दिया है और यहां पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों का। लेकिन एक बात बता देता हूं, ये जो कंपैरिजन है ये मेरे ओन थॉट्स हैं, मेरे खुद के थॉट्स हैं, मैं क्या सोचता हूं उसके ऊपर है। हर एक इंसान की थॉट प्रोसेस अलग अलग होती है, हो सकता है मुझे जो पसंद आया वो आपको पसंद ना आए। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में जज करने वाला हूं, यानी डिफरेंस निकालने वाला हूं। जो पैरामीटर्स हमारे होंगे वो होगा फर्स्ट यूजर इंटरैक्टिव इंटरफेस। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है दोनों में से जिसका इंटरफेस प्यारा है, इंटरफेस यूजर इंटरैक्टिव है, ठीक है, यानी यूआई अच्छा है, सिंपल सी बात है भाई। दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा डिपॉजिट एंड विड्रॉ मेथड्स। डिपॉजिट और विड्रॉज के लिए कौन सा परफेक्ट है, कौन सा हमें सुटेबल रहेगा भाई हम इंडियंस के लिए। तीसरी बात, जिस तीसरे पॉइंट के लिए हम आज कंपैरिजन करने वाले हैं वो है ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन। हम अगर एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमारे लिए कौन सा पार्ट बेस्ट रहेगा एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे इन तीन पॉइंट्स के बेसिस में मैं भी कंपैरिजन करने वाला हूं। सो गाइस, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, इन्फॉर्मेशन चाहते हो अबाउट फिक्स टाइम ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग पे, तो क्या करना है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अगर पसंद आती है तो कमेंट करना यार प्यारा सा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं बिटमैक्स का इंटरफेस और राइट साइड में आप देख पा रहे हैं बिटयार्ड का इंटरफेस। दोनों के इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, आप खुद ही जज कर लोगे यार, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा इंटरफेस अच्छा लगा आपको या समझने में इजी है। यूजर इंटरफेस ना इंटरेक्टिव जब तक नहीं बनता ना यूजर्स के लिए, तब तक मजा नहीं आता। दोनों के दोनों इंटरफेस में कहीं ना कहीं बिटमैक्स पीछे रह जाता है यार, बिटयार्ड को ज्यादा नंबर मिलेंगे। रीजन क्या है उसके पीछे, अब दोनों का यूआई देखो यार। यहां पे देखो, अगर मैं बिटमैक्स की बात करता हूं, यूनिट्स प्राइस टोटल, मतलब ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर मैं यहां से ही ले सकता हूं, यहां से ही मैं ट्रेड ले सकता हूं। ऊपर देखो, शॉर्ट सेल, शॉर्ट बाय, शॉर्ट लॉन्ग, ऑर्डर्स, पोजिशंस, वॉलेट के ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं। नीचे देखोगे तो ट्रेडिंग मार्केट्स, ट्रेडिंग बोट और स्टोर और सेटिंग का मुझे ऑप्शन मिल जाता है। यार एक ऑनेस्टली बात कहूं, जब मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की थी ना, तब मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि मैं यहां पे अकाउंट कैसे बनाऊं। जैसे ही मैंने एप्लीकेशन खुली, ये इंटरफेस मेरे पास बन के आ गया, खुल के आ गया, उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई यहां से मैं अकाउंट लॉगिन कैसे करूं अपना, या साइन अप कैसे करूं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज महसूस नहीं हुई थी जब मैं बिटयार्ड यूज कर रहा था। बिटयार्ड में यहाँ पे साइड में कॉर्नर में आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे अकाउंट्स का, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आप अपना अकाउंट बना सकते हो और अपनी सारी हिस्ट्री देख सकते हो कि आपने कब डिपॉजिट किया था, कब विड्रॉ किया था, ईच एंड एवरीथिंग, सारे ऑप्शन आपको वहां पर मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर देखो, कोई अकाउंट का ऑप्शन ही नहीं है, ऊपर एक वॉलेट का ऑप्शन जरूर मिलेगा देखो, और यहां पर कोई अकाउंट का ऑप्शन नहीं है। नीचे ट्रेडिंग का मिलेगा, मार्केट का मिलेगा, ट्रेडिंग बोट का एक ऑप्शन मिलेगा, स्टोर का एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पे स्टोर के ऑप्शन में जाके आपको लॉगिन करना होता है। ठीक है, ये चीज मैंने पहली बार देखी है भाई। ठीक है, स्टोर के ऑप्शन में जाके मुझे लॉगिन करना पड़ा बिटमैक्स के साथ, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो था ना इस एप्लीकेशन को लेके, वो बहुत डाउन हो गया, गिर ही गया कि यार तुम्हें एटलीस्ट एक ऑप्शन तो साइड में देना चाहिए अकाउंट को लेके। दूसरा चीज मैं बताता हूँ यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस यानी यूआई पे, तो यूआई के मामले में ना अगर हम बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे, तो बिटमैक्स कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, और अगर बात करते हैं बिटयार्ड की, तो बिटयार्ड यार सिंपल स्ट्रक्चर लगा मुझे, मतलब एकदम सिंपल लगा इन टर्म्स ऑफ यूजिंग। अगर आप यूज करते हो तो सिंपल, अगर आप बिटयार्ड को यूज करोगे तो आपको अच्छी सी फीलिंग आएगी, यूज करते हुए एक प्रीमियम फीलिंग आएगी, आसान से फीलिंग आएगी। और जहां पे अगर आप बिटमैक्स को यूज करोगे तो यार कहीं ना कहीं आपको लगेगा भाई क्या डाउनलोड क्या कर लिया भाई मैंने। एक और चीज़ बता देता हूँ, ये मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ मोबाइल पे, आप चाहो तो वेब पे भी जाके चेक कर सकते हो, दोनों प्लेटफॉर्म्स आपको वेब पे भी मिल जाएंगे।
दोस्तों अगर मैं बात करता हूं हमारे कंपैरिजन के पॉइंट नंबर वन की, जहां हम यूजर इंटरफेस के बेसिस पे डिसाइड करने वाले थे कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है हमारे लिए, तो यहां पे बिटयार्ड कहीं ना कहीं आगे है बिटमैक्स से। यूजर इंटरैक्टिव इंटरफेस के मामले में बिटयार्ड काफी आगे है। तो अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर टू पे, डिपॉजिट एंड विड्रॉ के मेथड्स पे। तो गाइज यहां पे देखेंगे मैंने वॉलेट पे क्लिक किया एंड वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहां पे आ रहा है वॉलेट हिस्ट्री नॉट अनेबल्ड, बिटमैक्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, और प्रेस हियर टू अनेबल इट, ठीक है ये आ रहा है लिखा हुआ। और अगर मैं यहाँ पे ना दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने सिर्फ एक चीज पे क्लिक किया है नीचे अकाउंट्स पे, अकाउंट्स पे क्लिक करते ही आप ऊपर इंटरफेस देख पा रहे हैं जहां पे विड्रॉ और डिपॉजिट का ऑप्शन आपको मिल रहा है। लेकिन इसके मामले में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ बिटमैक्स पे, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है भाई। कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट कर रहा है, देखो यहाँ पे मैंने, मुझे बोल रहा है कि अनेबल करो हिस्ट्री के लिए, तो मुझे हिस्ट्री के लिए अनेबल कहाँ से करना है भाई, ये तो बता दो कहाँ से मैं इसे अनेबल करूँ। यहाँ पे देखो एपीआई की का एक ऑप्शन मांग रहा है, लेकिन मेरे पास एपीआई की है ही नहीं, मैं कौन सी एपीआई की डालूं यहां पे। और दूसरी जो चीज है इसमें, अगर मैं स्टोर पे भी जाता हूं तो स्टोर पे देखो यहां पे कुछ खरीदने के ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें आप बोट को खरीद सकते हो, पैकेज है। लेकिन भाई मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करता हूं, अपने दिमाग पे भरोसा रखो, बोट पे भरोसा मत रखो। अगर ये लोग आपको बोट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यार इतना ध्यान रखो कि कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और बोट भी हम खुद ही आपको प्रोवाइड करेंगे और हमें लूट लो, यानी कि हम ही आपको जिता के देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बोट को खरीद लो और यूज करो और बहुत सारे पैसे कमा लो। नहीं भाई, अगर मैं सेम चीज लेके आता हूं बिटयार्ड के ऊपर, यहां पे आपको कोई बोट का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको खुद ट्रेडिंग लेनी पड़ती है। और यहां पे डिपॉजिट और विड्रॉ के बारे में बात करता हूं तो आपको इजीली ऑप्शन मिल जाते हैं जहां पे आप ERC20 वॉलेट और ओमिनी के साथ डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। ग्लोबली आप बिटयार्ड के साथ डिपॉजिट्स और विड्रॉ कर सकते हो, मतलब आप बिटयार्ड के वॉलेट से किसी भी अदर ERC20 या ओमिनी के वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, अपने USDT ट्रांसफर कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट थिंग आई एवर फाउंड इन एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, कि आप अपने प्लेटफॉर्म से ग्लोबली किसी और वॉलेट में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये मुझे किसी में नहीं मिला है और ये बिटमैक्स में भी नहीं है, और बिटमैक्स में तो स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉ के ऊपर कंपैरिजन की, तो यहां भी बिटयार्ड ने बाजी मारी है। अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट पे, जहां पे हम बात करेंगे ट्रेड एग्जीक्यूशन की। सो गाइस अगर हम दोनों ही प्लेटफॉर्म के होम इंटरफेस पे आ जाते हैं तो बिटयार्ड के नीचे आप देखोगे एक ट्रेड का ऑप्शन आ जाता है, और अगर आप देखोगे बिटमैक्स पे तो यहां पे आपको होम पे ही ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो यार मुझे लगता है मुझे एक अलग इंटरफेस चाहिए ट्रेडिंग के लिए, होम पेज पे ही आपने ट्रेडिंग का सर्विसेज दे रखा है तो ये सही नहीं लगा मुझे। कहीं ना कहीं नीचे देखोगे आप एक मार्केट का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो यहां से आप मार्केट का देख सकते हो बिटमैक्स पे। देखो ट्रेड पे मैंने क्लिक किया है बिटमैक्स पे और ट्रेड पे ही मैंने क्लिक किया है बिटयार्ड पे, तो यहां पे अगर आप देखोगे यूनिट्स को मुझे सेलेक्ट करना है, प्राइस को सेलेक्ट करना है, टोटल को मुझे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद मुझे बाय करना है या शॉर्ट के लिए या फिर लॉन्ग के लिए, ये चीजें मुझे देखनी है। अब यही चीज अगर आप देखते हो बिटयार्ड के साथ, तो यहां पे कितना इजी स्ट्रक्चर आपको मिलता है, जहां पे आपको काफी सारी फैसिलिटीज मिल जाती है कंपैरिजन अगर हम करते हैं बिटमैक्स के। तो यार भाई, तो यहां भी कहीं ना कहीं अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो बिटयार्ड ने बाजी मारी है। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको कोई बोले कि भाई मेरे पास दो प्लेटफॉर्म है बिटयार्ड बिटमैक्स, तो मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करूं, तो मेरे राय में आपको बिटयार्ड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यार समझने में काफी टाइम लग जाता है लोगों को, और अगर समझ भी गए आप काफी टाइम लगा के भी, तो भी ऐसा नहीं कि आप इसमें महारत हासिल कर लोगे जल्दी से। क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे डिपॉजिट एंड विड्रॉ के मेथड्स में ही कंफ्यूजन है, बाकी सारी चीजें तो बहुत आगे आती हैं, ठीक है। तो यहां पे बिटयार्ड के साथ मैं आज जाना चाहूंगा, और मुझे काफी अच्छा लगा बिटयार्ड का प्लेटफॉर्म कंपैरिजन अगर करते हैं हम इसके साथ, तो ठीक है गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। तीन पॉइंट हमने डिस्कस किए और तीनों पॉइंट में ही बिटयार्ड को ज्यादा नंबर मिले हैं, बिटमैक्स कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट में पीछे रहा है, और पॉइंट्स पे भी हम कंपैरिजन कर सकते थे, बट फिलहाल इतने ही पॉइंट्स काफी हैं, क्योंकि यूजर्स का इंप्रेशन इतने पॉइंट से ही बन जाता है। जब कोई आता है किसी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे पहले चीज देखता है UI, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, तो यहां पे ही बिटमैक्स पीछे रह जाता है। और दूसरी बात आती है विड्रॉ एंड डिपॉजिट के मेथड्स, तो बिटयार्ड आपको सारे डिपॉजिट और विड्रॉ के मेथड प्रोवाइड करता है, लेकिन यही
बिटमैक्स पीछे रह जाता है। तीसरा आता है ट्रेड एग्जीक्यूशन में, तो हर एक इंसान बिटमैक्स को नहीं समझ पाएगा इजीली, लेकिन बिटयार्ड को इजीली समझ जाएगा अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी, ठीक है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। आगे और कंपैरिजन अगर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो करना क्या है, कमेंट करके जरूर लिखो कैसे कंपैरिजन करना है। कैसे कमेंट करना है आपको, कमेंट में लिखो #technicalavi, उसके बाद आपको अगर कंपैरिजन करवाना है किन्हीं भी दो प्लेटफॉर्म के बीच में, तो ऐसा लिखो ऑलिमट्रेड वर्सेज आईक्यू ऑप्शन, या कोई भी प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, ताकि मैं उनको देखूंगा और मुझे सही लगेगा तो आने वाले फ्यूचर में उनके पे भी कंपैरिजन आएगा कि अगर दो प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जाता हूं तो कौन से प्लेटफॉर्म मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं और हमें चूज करने चाहिए। गाइस, उम्मीद करता हूं लाइक कर दिया होगा आपने, कमेंट कर दिया होगा वीडियो के नीचे, और सब्सक्राइब करो मेक श्योर अगर आप न्यू हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।